हेलो गाइस गाइस, मैंने इस डे का एक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है एक्रेलिक कलर से कैनवास पर। एक्चुअली मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये मेरा दूसरा पोर्ट्रेट है। फर्स्ट टाइम मैं कैनवास यूज़ कर रहा हूँ, और मैं एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट मतलब सेकंड टाइम है जब मैं कैनवास पर एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहा हूँ। मतलब इसकी जो टेक्निक है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैंने कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली थी ड्रॉ करते समय, तो वो फोटोज़ भी आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं पूरा सेपरेट वीडियो तो नहीं बना पाया, बट या मतलब आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। मतलब जिस टेक्निक का यूज़ करके मैंने वेंसडे का पोर्ट्रेट बनाया, बट ना पोर्ट्रेट एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना पोर्ट्रेट कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड या प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कैनवास है, और इसमें मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, एक्रेलिक ट्यूब्स कलर का यूज़ किया है, और ये डिटेल्स हैं मैंने इसमें। ये मेरा गाइस इस टाइप से फर्स्ट पोर्ट्रेट है। एक्चुअली ड्राई ब्रश टेक्निक है, मतलब जहाँ पर लाइटिंग है वहाँ पर मैंने कोई वाइट कलर का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट वहाँ पर जो है स्पेस छोड़ दिया है उतनी जगह का, तो ये वाइट का डेप्थ और लाइट आपको अच्छे से क्लियरली दिख रही होगी। एंड बस यही है जो है, मतलब मैंने ज़्यादा फोकस करके नहीं बनाया, एज अ नॉर्मली इसको मैं मतलब प्रैक्टिकल कर रहा था। कैनवास काफ़ी तगड़ा है नो डाउट। इसकी क्या टेक्निक रही उसकी मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, मतलब मैंने वीडियो तो नहीं बना पाया, बट इसकी मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक ज़रूर की हैं, आपको स्टेप बाई स्टेप वो दिखाते हैं।